नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में महापर्व छठ को लेकर तैयारी शुरू। 1400 नदी घाट और 3000 तालाब तैयार करेगी सरकार। दुर्गा पूजा के खत्म होने के साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग ने छठ महापर्व को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। करीब 1400 नदी घाट व 3000 तालाबों को छठ से हफ्ते भर पहले तैयार कर लिया जाएगा। नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही महापर्व को देखते हुए विभाग ने सभी नगर निकायों को दीपावली तक गंगा घाट तैयार कर लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्थानीय तालाब व पोखरों को भी अच्छे से साफ सफाई कराई जाएगी। गायों को घाटों के आसपास गंदगी फैलाने पर रोक लगने तथा कचरा इकट्ठा करने को लेकर डस्टबिन की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्थानीय तालाब व पोखरों को भी अच्छे से साफ सफाई कराई जाएगी। विभाग के मुताबिक सूबे के सभी नगर निकायों में मिलाकर करीब 1400 नदी घाट व 3000 तालाबों को साफ सफाई कर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। उनके संपर्क पथों को भी पक्का या समतल कराया जाएगा ताकि छठव्रतियों को आने जाने में कष्ट न हो। अधिकतर नगर निकायों ने इसको लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दिए जाने की जानकारी विभाग को दी है। बिहार के इस स्कूल में पढ़ रहा है सनी देओल और प्रियंका चोपड़ा का बेटा। परीक्षा में लिखा मेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है, एक नहीं 5 लड़कों से बात करती है। बिहार से अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो काफी हैरान करने वाले होते हैं। एक और ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया स्थित रामलखन सिंह यादव कॉलेज के इंटरनल एग्जाम की कॉपी की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक छात्र ने बॉलीवुड स्टार सनी देओल को अपना पिता और हीरोइन प्रियंका चोपड़ा को अपनी मां बताया है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में स्थित रामलखन सिंह यादव कॉलेज के दो छात्र शिवशंकर कुमार और आदित्य कुमार की कॉपी का फोटो वायरल हो रहा है। वायरल तस्वीर के मुताबिक शिवशंकर कुमार ने बॉलीवुड एक्टर सनी देओल को अपना पिता और हीरोइन प्रियंका चोपड़ा को अपनी मां बताया है। इसने विषय में इतिहास लिखा और कुछ सवालों के जवाब के रूप में अटपटी बातों को लिखा है। हालांकि रोल नंबर वाली जगह को इसने खाली छोड़ दिया है। हालांकि बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज इस वायरल उत्तर पुस्तिका की पुष्टि नहीं करता है। अपने चहेते बॉडीगार्ड को अब साथ नहीं रख सकते मंत्री और अधिकारी। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया बड़ा आदेश। बिहार में कई अधिकारियों द्वारा अपने ट्रांसफर के बाद चहेते बॉडीगार्ड या ड्राइवर को अपने साथ रखने के मामले पर पुलिस मुख्यालय ने नाराजगी जताई है। पुलिस मुख्यालय ने साफ तौर पर आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी स्तर के अधिकारी का किसी अन्य स्थान पर तबादला हो जाता है तो वे अपने पुराने बॉडीगार्ड ड्राइवर या अन्य सहयोगी को साथ नहीं ले जा सकते हैं। आदेश के मुताबिक उन्हें नए स्थान पर पुलिस महकमा के स्तर से अलॉट किए गए नए बॉडीगार्ड समेत अन्य को अपने साथ रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यही नियम जनप्रतिनिधियों के लिए भी लागू होंगे। पटना में बेतहाशा बढ़े डेंगू के मरीज। राजधानी के यह इलाके बने हॉटस्पॉट। राजधानी पटना में डेंगू के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पटना का शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां डेंगू के नए मरीज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद पटना के कई इलाके अब डेंगू के लिए नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। कंकड़बाग, अगमकुआं, पटना सिटी के बाद अब पुनाईचक, इंद्रपुरी, शिवपुरी और न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी डेंगू का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। पुनाईचक की पोस्ट ऑफिस गली के एक ही मोहल्ले में एक दर्जन से ज्यादा लोगों को डेंगू हो चुका है। इसके बावजूद निगम और स्वास्थ्य विभाग की ओर से उदासीनता बढ़ती जा रही है। इन मोहल्ले में न तो फॉगिंग हो रही है और न ही केमिकल का छिड़काव। पटना की सिविल सर्जन विभा कुमारी के मुताबिक राजधानी के जिन इलाकों में डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं उन पर विभाग ने पैनी नजर बनाकर रखा हुआ है। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए नगर निगम को संबंधित इलाकों में साफ सफाई कराने और नियमित रूप से फॉगिंग करने का निर्देश भी दिया गया है। सिविल सर्जन ने आम लोगों से अपील की है कि वह डेंगू को लेकर सतर्कता बरते और अपने आसपास सफाई भी करे।
इस बार बिना पटाखों वाली दिवाली पटना समेत बिहार के 4 शहरों में बिक्री पर रोक। दिवाली के मौके पर अगर आप लोग खूब पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको झटका लग सकता है। जी हां, पटना समेत बिहार के 4 शहरों में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया गया है। बीते साल नवंबर महीने में राज्य के 4 शहरों में प्रदूषण की अत्यधिक मात्रा के कारण उन्हें खास कैटेगरी में रखा गया है। इन 4 शहरों में पटाखा बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इन शहरों में मुजफ्फरपुर, पटना, गया व हाजीपुर शामिल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह आदेश जारी किया है। इस फरमान के बाद बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा गया है कि पिछली दीपावली के समय इन शहरों के वायु प्रदूषण स्तर का अध्ययन किया गया था। इसमें पाया गया कि दीपावली के समय हवा में PM10, PM2.5, SO2, NO2 के अलावा हानिकारक धातुओं की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस चंद्रशेखर ने कहा कि जिन जिलों में पिछले साल वायु प्रदूषण स्तर खतरनाक पाया गया था उनमें मुजफ्फरपुर, पटना, गया व हाजीपुर शामिल है। बिहार में रुक गई शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया, जानिए विभाग ने जारी आदेश में क्या कहा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर पहले ही ग्रहण लग चुका था। राज्य निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने नियोजन प्रक्रिया को स्थगित करने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने 6ठे चरण के तहत राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 शिक्षकों के रिक्त पदों पर चल रही नियोजन की प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। 30 जुलाई 2021 को जारी नियोजन की समय सारणी को स्थगित करने का फैसला विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अक्टूबर को नियोजन प्रक्रिया जारी करने पर असहमति जताए जाने के बाद लिया है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इसकी अधिसूचना जारी की। विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायत निर्वाचन 2021 के समापन के बाद नियोजन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ करने के लिए अलग से समय सारणी जारी की जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि बिहार राज्य में पंचायत चुनाव के आलोक में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी नियोजन प्रक्रिया जारी रखने पर असहमति व्यक्त की। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के कारण जिलों में नियोजन का काम प्रभावित होने का मामला काफी पहले सामने आया था। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में परामर्श के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास पत्र लिखा था। निर्वाचन आयोग ने इस पर असहमति जताई थी और अब विभाग की तरफ से प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश जारी किया गया है। आज बिहार आएंगे लालू यादव, आरजेडी सुप्रीमो के आने से तेज होगा उपचुनाव का घमासान। बिहार उपचुनाव के घमासान के बीच अब सुबह में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद आज बिहार आ सकते हैं, इसकी संभावना अब तेज हो गई है। 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर राजद ने अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं लालू यादव की एंट्री के बाद अब सियासी गर्मी और बढ़ सकती है। बिहार की कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर हो रहे उपचुनाव में अब कुछ दिन बाकी है। इस बीच कांग्रेस और राजद के बीच भी गर्मागर्मी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक को मैदान में उतार दिया है। पटना आते ही कन्हैया ने राजद को निशाने पर ले लिया। वहीं पार्टी के बिहार प्रभारी ने राजद पर ताबड़तोड़ हमला बोला है, जिसके बाद राजद से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना आ रहे हैं। आज वो पटना आ जाएंगे, इसकी प्रबल संभावना है। बता दें कि इससे पहले भी लालू यादव के बिहार आगमन की बातें सामने आई थी, लेकिन उन्होंने मजबूरन उपचुनाव में बिहार नहीं आने की बात कही थी। तेजस्वी ने बताया कि उनके पिता लालू प्रसाद की तबीयत को लेकर डॉक्टरों ने अनुमति नहीं दी, लेकिन तबीयत में सुधार रहा तो वे आएंगे। बिहार में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए मिलेंगे 3 लाख, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार सरकार अब प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 3 लाख रुपए देगी। परिवहन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 50% या अधिकतम 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ ऐसे प्रखंडों को मिलेगा जहां पर पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर के अलावे एक भी मोटर वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है। यानी योजना का लाभ प्रदूषण जांच केंद्र विहीन प्रखंडों को मिलेगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन देना होगा। इसके लिए जल्द ही विभाग के वेबसाइट पर विज्ञापन का प्रकाशन होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर आवेदन जमा करनी होगी। आवेदन करने वाले स्थायी निवासी होंगे। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। एक प्रखंड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगी। यदि शैक्षणिक योग्यता 1 है तो अधिक उम्र वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी, सरकारी स्कूलों में बीमार बच्चों की होगी तलाश। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए वैज्ञानिकों ने पहले ही अलर्ट कर दिया है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपनी तैयारी में जुटा है। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य महकमा विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसमें सरकारी स्कूल में बीमार बच्चों की तलाश की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूल के बच्चों की सेहत सुधारने के लिए अभियान अगले सप्ताह से शुरू करने का फैसला लिया गया है। 5 सांसदों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर लड़ा चुनाव। जीतन राम मांझी ने इन नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है कि देश के 5 सांसद फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर अपने क्षेत्र में सांसद बने हुए हैं। लोकसभा, विधानसभा, जिला पार्षद, पंचायत समितियों व निकाय के अन्य चुनावों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता रद्द कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोग के गठन किया जाए। जीतन राम मांझी ने सभी की सदस्यता रद्द कर सभी के खिलाफ FIR दर्ज कराकर कार्रवाई कराने की भी मांग की है। वे बुधवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।